लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज हमारे एरिया में टीटीसी एमआईडीसी में करीबन 4000 इंडस्ट्री जो काम करती थी उसमें से लगभग 20-25 को छोड़ के बाकी सब बंद है, और ये 20-25 भी औषध कंपनी या कुछ अति आवश्यक वस्तुओं को ही चालू है, वो भी 20% मतलब 10-20% लोग जो आ रहे हैं उतना ही चालू है, बाकी 99% इंडस्ट्री इज क्लोज्ड। ये इसके कारण जो आर्थिक नुकसान इंडस्ट्री को हो रहा है वो इतना भयंकर है कि जब ये स्टार्ट होगा, जब ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा उसके बाद में ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, इंडस्ट्रीज के सामने और इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने। सबसे बड़ी जो चुनौती इंडस्ट्रियलिस्ट को है वो चार पांच चीज़ों की जो चुनौती है वो कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री रेंट पे है, बहुत सारे लोगों का लोन बैंक लोन्स है जिसका ईएमआई देना है, उसका इंटरेस्ट चालू है। आज ये 4000 इंडस्ट्री में करीबन 5 लाख लोग काम कर रहे हैं जिसकी ये एम्प्लॉयमेंट है डायरेक्टली, और 5 लाख करीबन इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है ये 4000 इंडस्ट्री में। अब सरकार ये बोल रही है कि आप ये इन सबको सैलरीज दो लॉकडाउन पीरियड की भी, लेकिन इसकी कुल राशि जो है वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये इंडस्ट्री के सहन करने नामुमकिन है। और जो लोन्स बैंकों से ली गई है, एमएसएमईज की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि फाइनेंस कम रहता है, तो ये गाड़ी चलाने के लिए लोन्स लिए रहते हैं बैंकों से, एनबीएफसी से, प्राइवेट लेंडर्स से, तो उसके ईएमआई और इंटरेस्ट चालू रहते हैं। तो मेरी ये सरकार से रिक्वेस्ट है और हमने एसोसिएशन लेवल पे भी 2-3 मेमोरेंडम भेजे हैं कि इसको कम से कम माफ़ करना चाहिए 6 महीने के लिए। ओके ओके, हाँ ठीक।